जो एपिसोड मैं बना रहा हूं तो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मेरे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप हमें यह भी दिखाइए कि आप वीडियो जो शूट करते हैं बाहर में उसको आप एडिट कैसे करते हैं। हालांकि मुझे कुछ करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो थोड़ी बहुत कोशिश करता हूं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मेरे पास सिर्फ आईफोन 10 ही है, उसके अलावा मेरे पास कोई भी और तामझाम नहीं है। और ये मैं दिखलाता हूं कि मैंने कैसे अपने घर में जुगाड़ किए हुए हैं। जुगाड़ पता है मैंने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट या मेकशिफ्ट स्टूडियो जो कैसे बनाया हुआ है। ये मैं पहले जो मेरे इनिशियल वीडियो थे उसमें घर में दीवार के साथ बैठ के जो था ना मैं इनिशियल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और कंक्लूडिंग वाला पार्ट रिकॉर्ड करता है। ये मैं दिखाता हूँ पहले मैं कैसे करता था। ये मैं आपको टीवी के थ्रू दिखला रहा हूँ। ये मैंने टीवी ऑन किया, ये यूट्यूब गया। ये दोस्तों मैं अपना यूट्यूब खोल रहा हूँ। YouTube में जो है मैं अपना जो मेरा नॉर्मल नापा चैनल है उसके ऊपर मैं दिखला हुआ जो वीडियोस थे। जैसे मैं गया नॉर्मल लांबा के ऊपर, देख रहे हैं आप दोस्तों कि ये जो आप आ गया इसमें मेरे जितने भी एपिसोड्स हैं सभी नजर आ जाएंगे। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये आप देख रहे हैं नियाग्रा फेरी राइन लंदन बकिंगम पैलेस न्यूयॉर्क वर्ल्ड जीरो ग्राउंड जीरो ये सब इसमें है। तो दोस्तों ये जो एक वीडियो है ये लंदन साउथ हॉल इस वीडियो में आपने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। 1500 से ज्यादा आपके व्यूज आ चुके हैं। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं ये दिखलाता हूँ कि इस वीडियो में मैं घर के दीवार के साथ बैठ के मैं कैसे जो अपना इनिशियल पार्ट रिकॉर्ड करता। ये मैं इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये देखिए ये दोस्तों आ गई है जो मैं घर में दीवार के साथ बैठ के अपने इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं व्हाइट बैकग्राउंड है, तो फिर मेरे मन में आया कि इसको थोड़ा चेंज किया जाए। तो ये देखिए ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये देखिए इसको कर दिया बंद। तो दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मैंने अपना जो ब्लैक बैकग्राउंड बनाने के लिए और यहाँ जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है मेरे पास लाइटिंग के लिए वे मैं कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ दोस्तों, मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है लगाने के लिए घर में मैंने क्या जुगाड़ किया हुआ है। और उसके अलावा मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, तो ये मैं ट्राइपॉड भी कैसे बनाता हूँ डाइनिंग टेबल की चेयर के साथ। तो ये मैं कपबोर्ड से मेरे कपड़े हैं जैसे कि टर्बन है, तो मैं ब्लैक कलर की टर्बन अभी निकालूंगा। ये जैसे ये मेरे पास ब्लैक कलर की टर्बन है, ये फोल्डेड रहती है, तो मैं इसे करूँगा अनफोल्ड। अनफोल्ड किया ये वाला ऐसे और एक और करूँगा तो ये जो इतना सफिशिएंट आ जाएगा कि मेरी बैकग्राउंड पूरी कवर हो जाएगी। ये वाला काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि डाइनिंग टेबल की चेयर लेके आऊँगा। ये मैं डाइनिंग टेबल की चेयर लेने जा रहा हूँ। ये मैंने रखी डाइनिंग टेबल की चेयर यहाँ पे, ओके। अब इसके बाद ये जो मेरा स्टूडियो का बैकग्राउंड देखो कैसे बनेगा। ये हो गया राइट। अब मैंने उतारी चप्पल, चप्पल उतारने के बाद मैं खड़ा हो गया चेयर के ऊपर और ये मैंने कपबोर्ड खोला। अब क्योंकि नॉर्थ ऑफ इंडिया में ना मिट्टी बहुत होती है, तो मुझे ये साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये कपड़ा गंदा हो जाएगा और मुझे मार पड़ेगी। ये दोस्तों ये मैंने क्या किया कि अब यहाँ इसको लगाया यहाँ के ऊपर, इसको लगाया इसके ऊपर और ये मैंने कपबोर्ड कर दिया ये बंद। तो ये मेरा हो गया बैकग्राउंड पूरा तैयार। अब मैं ये जो चेयर है इसको मैं बेड के ऊपर रखूंगा। ये रखी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी सेल्फी स्टिक है सेल्फी स्टिक को मैं एज ए ट्राइपॉड स्टैंड यूज करने वाला हूं। कैसे, ये मैंने यहाँ इसको लंबा किया थोड़ा सा, इसके बाद मैंने इसको डाइनिंग टेबल की चेयर के साथ इस कपड़े से बांध दिया। ये वाला अब बांधने से ये थोड़ा टाइट हो गया, तो ये फोन जो है गिरेगा नहीं इसके ऊपर। तो
ये अब लग गया। अब क्या करें, इसकी हाइट में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा जितना मेरा फेस है उसके आसपास। अब मैं इसके बाद फोन लगाऊंगा, इसके बाद की रिकॉर्डिंग जो होगी वो दूसरे फोन से होगी। दोस्तों ये मेरा आईफोन 10 है जो कि मेरा मेरी AK-47 है। AK-47 मतलब इसी से मैं शूट करता हूँ, इसी से एडिट करता हूँ, इसी के जरिए मैं आप तक पहुँचाता हूँ यूट्यूब के जरिए। आइए मेरे साथ ये देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ ये। दोस्तों अब ये मेरा बैकग्राउंड हो गया सेट, तो अब मैं कैमरा ऑन करूंगा ये वाला। अब ऑन तो कर दिया लेकिन ये मांग रहा है फेस आईडी तो जाएगी नहीं क्योंकि ये लगा हुआ है। अब मैं कोड डाल रहा हूँ, ये हो गया ऑन। तो ये मैंने कैमरा कर दिया ऑन, तो इसको मैं जूम करूंगा ताकि बाकी के व्यूज जो है वे ना नजर आए। ठीक है ये सेट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो लाइट्स है इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ये मेरा सेटअप हो गया पूरा तैयार। तो अब मैं रिकॉर्डिंग अपनी शुरू करूंगा। 2-3 दफा बोलना पड़ता है तब जाके कहीं सही होता है। फ्रेंड्स इन दिस एपिसोड आई एम टेकिंग यू टू टूर ऑफ विलेज ग्रेटना विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड साइड। दोस्तों अभी जो मैंने आपको दिखलाया था कि मैंने मेकशिफ्ट जो अरेंजमेंट किया है यानी कि जुगाड़ किया है अपने घर में स्टूडियो बनाने के लिए, लेकिन एडिटिंग वाला भी जो उसी का पार्ट है तो ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मैं घर में कैसे एडिटिंग करता हूँ ये मैं टीवी के थ्रू दिखाऊंगा आपको। अब जैसे ये मैंने जो है आईफोन अपना किया ऑन, इसके बाद मैं गया स्क्रीन मिररिंग के ऊपर। ये स्क्रीन मिररिंग ऑन हो गई। अब मैं क्या करूंगा इसके ऊपर जाके अपना जो है आई मूवी ऐप जो मैंने खोल लिया पहले, अब मैं इसको ये करता हूँ। जैसे ये मेरे जो वीडियोस मैंने आपको दिखाता हूँ या कुछ और पड़ी है एक दो, ये मैं इसमें कैसे ऐड करता हूँ, ये जो है आप देख रहे होंगे जो वीडियोस मैंने की है। ये अभी जो आपने देखी है ये इसको मैं नंबर दिया हुआ था माई मूवी 1। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं कुछ जो थोड़ी बहुत एडिटिंग है अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अब मैं गया एडिटिंग के ऊपर और इसके ऊपर मैं गया बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये देखिए ये स्टार्टिंग में आ गया। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि मैं अपना मैं ब्लॉग नंबर लिखूंगा या नॉवल चैनल लंबा चैनल ये मैं दिखला रहा हूँ कि मैं आपको कैसे लिखता हूँ। ये मैंने इसको किया प्लस का साइन। इसके बाद मैं गया बैकग्राउंड के ऊपर, ये डिफरेंट बैकग्राउंड नजर आ जाएंगे लेकिन मेरा जो फेवरेट है ये वाला है, इसको मैंने किया एड। अब मैं क्या करूंगा इसके ऊपर जो है मैंने वे लिखना है कुछ, ये लिखना है तो मैंने टेक्स्ट पे ऊपर जाके ये जो है मान लिया पॉपअप ऐड किया तो मैंने अपना टाइटल टेक्स्ट ऐड करना है। इसको मैं करूंगा एडिट में इसे किया ये और मैं लिखता हूँ। देख रहे हैं आप आवाज, मुझे लगता है आपको मैं थोड़ा दूर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। मैं लिखता हूँ व्लॉग नंबर, ये पहले लगेगा 21 है मेरा क्या, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया ब्लॉक नंबर 21। तो ये हो गया डन राइट। इसके ऊपर मैं ऐसे नॉर्मल लामा चैनल लिखता हूँ, शायद आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा। इसके ऊपर मैंने किया फिर प्लस और ये जो मेरा फेवरेट कलर है इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने क्या करना है ये लिखना है तो ये पॉपअप तो मैंने बोला ही हुआ था, पॉपअप पे क्लिक किया। अब ये टाइटल आ गया तो अब मैंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना क्या है ये किया। ये पहले जाएगा एडिट में गया, इसे मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं लिखूंगा अपना क्या है ये देख रहे हैं आप, ये मेरी एडिटिंग टेक्निक्स लंबा ओके। अब मैं इसको स्पेस देना है, ये वेब स्टॉप का ऐप है। ये
राइट। ये अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, मुझे कलर भी ऐड करना है, मैं कलर ऐड कर सकता हूँ। मैं कलर जैसे आपको बताया था, मैं कौन से ऐड करूंगा, प्लस का येलो कलर ऐड कर लिया, तो ये हो गया डन। ठीक है जी, अब इसके बाद मैंने ये डन कर लिया। इसके बाद दोस्तों मैं साउंड भी ऐड कर सकता हूँ। अब ये जो है एडिट में गया। अब स्टार्टिंग में मैं एडिट में जाके ये जो है, अब इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो बहुत सारी ऑप्शन आ रही हैं, इसमें बैकग्राउंड ऑडियो, ये जो मैं ऑडियो पे क्लिक किया, ऑडियो पे क्या है जैसे साउंड ट्रैक, ये जो आईफोन में खुद अपनी डली वेव वाली है। अब मैं जाता हूँ माय म्यूजिक के ऊपर। माय म्यूजिक के ऊपर जो है मैंने अपनी जो है वे मैंने जैसे सॉन्ग ये इंपोर्ट किए हुए हैं दो, ये मैं दिखा दो। एक तो मैंने आपने देखो वाहेगुरु सिमरन की है, और दूसरी मैंने अभी रिसेंटली की है, उसमें ऐड जो है वे फ्लूट की है। ये देखिए ये ऐड हो गई, बड़ा लंबा बदल, लेकिन मैं अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। ये मैंने कर दिया डन। अब मैं दोस्तों आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये मेरी सारा जो बनी है। ये देखिए आवाज आ रही है आपको, ये जो आप अभी पहले वाला पोर्शन आप दे चुके हैं बहुत लंबी हो जाएगी, ये मेरी डेमोन्स्ट्रेशन है आपको। थैंक यू वेरी मच। तो आई एम सॉरी कि जो पिछला एपिसोड मैंने आपको दिखाया था, जो कि हम ट्रेवल कर रहे थे ग्रेटना विलेज से ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जो नेचुरल व्यू सीनरी दिखलाई थी, उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मैं ग्लासगो के व्यू दिखलाऊंगा, वे मैं इसके बाद दिखलाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के रिक्वेस्ट के आगे मुझे लगा कि पहले मैं ये दिखला दूं एडिटिंग वाला पार्ट, और उसके बाद आपको दिखलाऊंगा ग्लासगो वाला पार्ट। थैंक यू।